Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will show you how I wash my dummy hair. So let's get started. तो यहाँ पे मेरे पास रियल हेयर डमी है जो कि बहुत अनटाइडी और मेसी हो रही है, जिसे हम आज वॉश करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि हमें इसको अच्छे से नीट करना है। तो यहाँ पे मैं पैडल ब्रश की हेल्प से इसको पूरा डिटैंगल कर दूंगी। बालों में बिल्कुल भी टैंगल्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद इसको कुछ इस पोजिशन में रखना है। आप चाहो तो सिंक या वॉश बेसिन में भी रख सकते हो। नेक्स्ट, अब हमें पूरे बालों को गीला करना है, तो जिसके लिए मैं यहाँ पे हैंड शावर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो मग से भी वॉश कर सकते हो इस तरह से। बालों को गीला करने के बाद नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे शैम्पू। तो शैम्पू मैं यहाँ यूज़ करूँगी ट्रेसेमे का, और कंडीशनर यूज़ करूँगी रिजॉइस का। आप अपनी पसंद का कोई भी यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद मैंने मग में थोड़ा सा पानी लिया है, जिसमें मैंने 5 to 6 पम्प्स डाला है शैम्पू, और इसको मिक्स कर लेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा करके इसको अप्लाई करते रहेंगे और अच्छे से वॉश करेंगे डमी को। जस्ट मेक श्योर कि कहीं से रह ना जाए शैम्पू लगाना। हर एक जगह पे आपको अच्छे से शैम्पू लगाना है, ताकि जितनी भी गंदगी है वो अच्छे से साफ हो जाए। अगर आप शैम्पू को इस तरह से पानी में मिक्स करके थोड़ा थोड़ा लगाएंगे तो बहुत अच्छा फोम क्रिएट हो जाता है। ये मेथड आप पर्सनली अपने हेयर वॉश करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर से अपनी डमी क्लीन करेंगे। और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि कितना अच्छा फोम बन चुका है। अब बहुत ही अच्छे से हम डमी को वॉश कर देंगे। एंड अगेन मैं यहाँ पे हैंड शावर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो नॉर्मल मग से भी वॉश कर सकते हो, या फिर डमी को डायरेक्टली टैप के नीचे भी रख सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि कहीं पे भी शैम्पू नहीं रहना चाहिए। तो अच्छे से कॉर्नर में और ऑल ओवर द हेड अच्छे से इसको वॉश करेंगे। एंड हमारी डमी वॉश हो चुकी है, और अब हम इसका जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो स्क्वीज करके निकाल देंगे। बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे निचोड़ के एक्स्ट्रा वाटर निकाल देना है। और उसके बाद मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ कंडीशनर। कंडीशनर भी हमें अच्छी क्वांटिटी में ही लेना है, और ऑल ओवर द हेयर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। कहीं भी रहना नहीं चाहिए। इससे हमारे जो हेयर हैं वो बहुत ही सिल्की एंड स्मूथ रहेंगे हेयर स्टाइलिंग के टाइम पे। और अब हम बालों को 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, और अब हमें बालों को फिर से वॉश करना है। तो आप इसी तरह मग से भी वॉश कर सकते हो। मैं यहाँ पे हैंड शावर की हेल्प से वॉश करूँगी। और यहाँ भी हमें यही ध्यान देना है कि कहीं भी कंडीशनर ना बचे, इसलिए बहुत ही अच्छे से वॉश करेंगे बालों को। इसी के साथ आप चाहो तो इसका फेस, नेक और शोल्डर भी वॉश कर सकते हो। शैम्पू और कंडीशनर दोनों करने के बाद अगेन इसको अच्छे से टाइटली स्क्वीज करके इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे। और अब मैं इसको 5 से 6 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो यहाँ मेरे हेयर 90% ड्राई हो चुके हैं, और अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल कंस्ट्रक्टर हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे। पूरे बालों पे इसको अच्छे से स्प्रे कर देंगे। और नेक्स्ट मैं अब पैडल ब्रश की हेल्प से यहाँ पे बालों को अच्छे से नीट कर दूंगी, डिटैंगल कर दूंगी। इसके बाद हम बालों को 4 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पे करूँगी ड्रायर। तो एक एक सेक्शंस लेंगे हम, और पैडल ब्रश की ही हेल्प से मैं ब्लो ड्राई करूँगी। तो ब्लो ड्राई के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट इज़ कि वो हमारे बालों को ड्राई करता है। सेकेंड इज़ कि बहुत हद तक ड्रायर हमारे हेयर को स्ट्रेट भी करता है, और वॉल्यूम को बना के रखता है, शाइन भी देता है, और हेयर को न्यूट्रल भी करता है। अगर बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी हैं तो उसको नॉर्मल कर देता है, बहुत ज़्यादा सिल्की हैं
उसको भी नॉर्मल कर देता है। दैट मीन्स कि ड्रायर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हेयर प्रिपरेशन का, और इसे आप पैडल ब्रश या फिर ड्रायर ब्रश किसी से भी कर सकते हो। डमी की अच्छी केयर के लिए आपको ये तीन चीज़ें करनी ज़रूरी है, हेयर वॉश, उसके बाद हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे एंड देन ब्लो ड्रायर। सो वन साइड ड्रायर करने के बाद मैं दूसरी तरफ आयनिंग कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि क्या डिफरेंस किस चीज़ से आता है। सो यहाँ पे हम थिन सेक्शंस लेंगे, बिल्कुल पतले सेक्शंस लेंगे आयनिंग करने के लिए, जिससे कि हमारे हेयर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ हेयर साइंस की आयनिंग मशीन। अगर आपको वॉल्यूमिनस हेयर स्टाइल बनाना है और बहुत ज़्यादा उसमें बालों का स्ट्रेट होना ज़रूरी नहीं है, सो यू कैन गो फॉर ड्रायर। और अगर आपको कोई ऐसा हेयर स्टाइल बनाना है जिसमें ना ही आपको वॉल्यूम चाहिए और आपको हेयर जो है वो बिल्कुल अच्छे स्ट्रेट चाहिए, सो यू कैन गो फॉर आयनिंग। तो यहाँ पे जो मुझे नेक्स्ट हेयर स्टाइल बनाना है वो मुझे स्ट्रेट हेयर स्लीक लुक ही रखनी है, इसलिए मैं यहाँ पे आयनिंग कर रही हूँ। आप चाहो तो ब्लो ड्राई भी कर सकते हो या फिर ब्लो ड्राई करने के बाद आयनिंग कर सकते हो। रियल हेयर डमी परचेज करने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, हमारे पास हर तरह की डमीज अवेलेबल हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेयर डमीज पर कोई भी हीट मशीन यूज़ करने के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि उसका टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट एक्सीड 190 डिग्री। हमेशा आप स्टार्ट करो 160 या 170 से, और अगर आपको उसी में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आप उसी पे ही कंटिन्यू करो, नहीं तो आप 180 तक जा सकते हो। इससे आपकी डमी डैमेज भी नहीं होगी और लॉन्ग टाइम तक यूज़ हो पाएगी। तो यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हो, लेफ्ट साइड ड्रायर हेयर है और राइट साइड आयनिंग हेयर। और यहाँ मैं शाइन देने के लिए यूज़ कर रही हूँ ओसिस प्लस का शाइन स्प्रे, जिससे कि जो हमारे डमी हेयर हैं उसमें बहुत ही अच्छी शाइन आ जाएगी, जिससे हमारे हेयर स्टाइल्स बहुत सुंदर बनेंगे। इसी तरह मैं बाकी के हेयर में भी आयन कर दूंगी। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप रियल हेयर पर ही प्रैक्टिस करो हेयर स्टाइलिंग की। अगर आपके पास रियल हेयर या क्लाइंट नहीं है तो यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन रियल हेयर डमीज। और अगर आप रियल हेयर डमीज नहीं ले पा रहे हो किसी रीज़न से, तो एटलीस्ट गो फॉर मिक्स्ड हेयर डमीज, बिकॉज जो बाकी की हेयर डमीज होती हैं उसमें हेयर स्टाइलिंग इतने अच्छे से नहीं हो पाती, जिस वजह से आपकी प्रैक्टिस जो है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। और एक बार फिर से हम यहाँ पे पूरे बालों में शाइन स्प्रे अप्लाई कर देंगे। So the shampoo and hair preparation is done, and I hope you find this video helpful, and thank you so much for watching.